गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम देखेंगे दसवीं इंग्लिश का एसे। दसवीं इंग्लिश में एसे आपको कैसे लिखना है या कौन कौन से टॉपिक में एसे लिखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दो एसे मैं उसको आज बताऊंगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरे आखिर तक देखें तो आपको पूरा क्लियर समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, जैसे जो पहला जो एसे है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपका है वंडर ऑफ साइंस। देखिए इसमें जैसे आपका टॉपिक आया है एसे लिखने के लिए है वंडर ऑफ साइंस में, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एसे लिखने के लिए, सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, यानी कि जो भी टॉपिक है उसके बारे में आपको बताना है। वंडर ऑफ साइंस जो साइंस है, विज्ञान का चमत्कार है, उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं, इंट्रोडक्शन। वी लिव इन दिस प्रेजेंट एज ऑफ साइंस एंड साइंस हैज़ क्रिएटेड वंडर्स। साइंस हैज़ मेड अस वेरी पावरफुल। नाउ वी कैन फ्लाई लाइक बर्ड्स इन द स्काई। नाउ वी कैन स्विम लाइक फिश इन द वाटर। नाउ वी कैन लैंड ऑन द हार्ड सरफेस ऑफ द मून। नाउ वी कैन ब्रेक द एटम्स एंड प्रोड्यूस एनर्जी। साइंस हैज़ मेड अस द मास्टर ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स ऑफ लैंड वाटर एंड एयर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे क्या है आपको उसका परिचय बताना रहता है। जो भी टॉपिक दिया है जिसके ऊपर आप ऐसे लिख रहे हो उसके बारे में आपको बताना है। अगर यहाँ पे आप कोटेशन का प्रयोग करोगे तो और बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस टाइप का क्या है, इसमें आपको कोटेशन के अंदर कोटेशन आपको लिखना है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका परिचय, ये हो गया इंट्रोडक्शन। इसके देखिए सेकंड वाला, आगे देखिए, टुडे द फाइंडिंग्स ऑफ साइंस आर हेल्पिंग अस इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ। सम ऑफ देम आर, इसको आप और डिवाइड कर सकते हो कि जो साइंस है ये कैसे हेल्पिंग हो रहा है, कैसे हेल्पिंग है हमारे लिए एवरी वॉक ऑफ लाइफ, यानी जो रोज़ की हमारी जो डेली लाइफ है, दिनचर्या है, उसके लिए। सम ऑफ देम आर, तो आपको उसको अब उसको क्या है उसका थोड़ा बेनिफिट बताना है, साइंस का बेनिफिट। इन आवर हाउस होल्ड जॉब्स, देखिए ये पार्ट दिया है, साइंस हैज़ मेड आवर लाइफ ईजी एंड कम्फर्टेबल। इट हैज़ गिवन अस फैंस, कूलर्स, हीटर्स, कुकर्स, रेफ्रिजरेटर्स एंड वेरियस किचन अप्लाइंसेस। नाउ वी कैन डू आवर हाउस होल्ड जॉब्स क्वाइट ईजली एंड कम्फर्टेबली, यानी हम अपने जो घर के काम है उसको अच्छे से कर सकते हैं साइंस की मदद से। जैसे हमको बहुत सारा क्या है सामान मिला है, जैसे फैंस है, कूलर्स है, हीटर्स है, यानी साइंस के सब क्या है प्रोडक्शन है, आविष्कार है साइंस के द्वारा। तो इससे क्या है हमारा जो घर का काम है बहुत ही इजीली तरीके से हो रहा है। तो पहले तो आपको बेनिफिट बताना है उसका, ठीक है, साइंस का बेनिफिट बता रहे हैं। आगे देखिए सेकंड वाले में, इलेक्ट्रिसिटी एंड आवर सर्वेंट। इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट वंडरफुल गिफ्ट ऑफ साइंस। इट इज़ आवर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। इट लाइट्स आवर हाउसेस, रोड्स, स्ट्रीट्स, हॉस्पिटल्स एंड ऑफिसेस। इट ऑल्सो रन्स आवर वेरियस मशीन्स, ट्रेन्स, ट्रेम्स, मिल्स एंड फैक्ट्रीज। नाउ वी कैन नॉट इमेजिन ए लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको अब इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताना है, उसका प्रकार बता रहे हैं ना, मतलब उसका जो फ़ायदा बता रहे हैं वंडर ऑफ साइंस का। तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है वंडर ऑफ साइंस का, क्या है उसका पार्ट है। आगे देखिए, साइंस हैज़ गिवन अज वंडरफुल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इट हैज़ गिवन अज कार्स, बाइक्स, ट्रक्स, ट्रेन्स, प्लेन्स एंड शिप्स। नाउ वी कैन गो टू एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड क्वाइट ईजली एंड कम्फर्टेबली। तो आपको क्या है जो साइंस का ये जो जितने ही बाइक्स है, कार्स है, ट्रेन है, जितने भी आपका आविष्कार है, एरोप्लेन है, सब क्या है साइंस का ही देन है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत अच्छा काम आता है। चौथा दिया है मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। अब देखिए कम्युनिकेशन यानी जो संचार, अभी आप लोग जैसे मोबाइल में देख रहे हो, यूट्यूब में मेरा वीडियो, ये भी क्या है कम्युनिकेशन से ही हो रहा है ना, साइंस का ही चमत्कार है। तो आप डाल सकते हो अगला पॉइंट चौथा में, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। साइंस हैज़ गिवन अज वंडरफुल मीन्स टू कम्युनिकेशंस। इट हैज़ गिवन अज टेलीग्राफ, वायरलेस रेडियो, लैंड फोन्स एंड मोबाइल फोन्स। नाउ वी कैन टॉक टू एनी पर्सन लिविंग इन एनी कॉर्नर क्वाइट ईजली। तो अभी आप उसके मोबाइल के बारे में बताना है, जितने भी आपका कम्युनिकेशन का जो भी आपका माध्यम है उसके बारे में बताना है। आगे देखिए पाँचवा में, मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट, उस साइंस के द्वारा ही हमारे तक पहुंच पा रहा है। साइंस हैज़ गिवन अज इंटरेस्टिंग मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट। इट हैज़ गिवन अज टेलीविज़न, वीडियो कैमरा, वीडियो गेम्स, सिनेमा, बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स। नाउ वी कैन पास आवर फ्री टाइम क्वाइट हैप्पली। तो ठीक है बच्चों, जो मनोरंजन का साधन है वो भी क्या है साइंस का ही देन है। आगे देखिए छठवा में, मीन्स ऑफ हेल्थ केयर, जितना भी हेल्थ केयर है उसका बहुत बड़ा क्या है साधन है।
साइंस हैज़ गिवन अज वंडरफुल ड्रग्स एंड वैक्सीन्स, इट हैज़ गिवन अज एक्सरे, ब्रेन स्कैनर, इंडोग्राफी एक्सेट्रा टू इनिशिएट वेरियस पार्ट्स ऑफ बॉडी. नाउ वी कैन प्रिवेंट एंड ट्रीट वेरियस डिजीज. नाउ वी कैन सेव मिलियंस ऑफ लाइफ्स. नाउ वी कैन हैव ए बेटर हेल्थ. अब डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, जो कृषि के क्षेत्र में भी क्या है, बहुत ज़्यादा क्या है, डेवलपमेंट हुआ, डेवलपमेंट अभी हो रहा है लगातार, तो उसमें भी क्या है, साइंस का ही योगदान है. साइंस हैज हेल्प्ड टू ब्रिंग रिवॉल्यूशन इन द फील्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज. नाउ वी कैन ग्रो मोर फूड एंड फीड मोर पीपल. अब देखिए, ये तो हो गया आपका साइंस का बेनिफिट. अब कोई भी चीज़ रहता है उसका क्या है, दो पहलू रहता है, एक तो आपका उसका अच्छा ही दिखेगा, दूसरे क्या है उसका बुराई भी दिखेगा. इसका दूसरा पहलू यह है कि इसका क्या है, कर्ज भी है, ठीक है. साइंस कर्ज ऑफ साइंस यानी विज्ञान का अभिशाप, ठीक है. पहले तो इसके पहले देखिए हो गया है विज्ञान का वरदान है, अब इसका अभिशाप देखते हैं क्या होगा. कर्सेस ऑफ साइंस, साइंस हैज़ फेड आवर बॉडीज बट स्टार्व्ड आवर सोल्स. वेरियस इंडस्ट्रीज आर रैपिडली इंक्रीजिंग एयर वाटर साउंड एंड सॉइल पोल्यूशन, एंड पोल्यूशन इज स्लोली पॉइजनिंग आवर लाइफ. अब आपको बताना है साइंस का क्या है, बेड इफेक्ट बताना है कि साइंस कैसे हमारा जो जीवन है उसको धीरे धीरे क्या है, एक तरह से आप नष्ट ही कर रहे हैं सब बोल सकते हो, क्योंकि एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, यानी बहुत सारा पूरा पोल्यूशन ही हो रहा है धीरे धीरे. एंड पोल्यूशन इज स्लोली पॉइजनिंग आवर लाइफ. तो जो पोल्यूशन है वो धीरे धीरे हमारे जो लाइफ में ये पॉइजनिंग का काम कर रहा है, जहर के काम कर रहा है. साइंस हैज़ गिवन डेंजरस वार वीपन्स लाइक गन्स, रॉकेट, मिसाइल्स. अब साइंस ये जो आपका गन्स, रॉकेट्स, मिसाइल है, टैंक्स है, और अभी जो ये जो साइंस हैज़ गिवन डेंजरस वार वीपन्स, तो ये जो वार वीपन्स है, जो युद्ध के जो हथियार है, वो भी क्या है, साइंस के द्वारा ही दिया गया है. जैसे गन्स है, रॉकेट्स है, मिसाइल है, टैंक्स है, एटम बम्स है, ये सब क्या है, साइंस के द्वारा ही बना है. तो ये सब क्या है आपका साइंस का कर्ज है, ये सब अभिशाप भी बोल सकते हैं. एनी मिस यूज ऑफ दिस वीपन्स कैन डिस्ट्रॉय अवर ब्यूटीफुल वर्ल्ड. इसका कोई भी क्या है मिस यूज करेगा इन सब वीपन्स का, इन सब हथियार का, ये जो हमारा जो वर्ल्ड है और दुनिया है क्या है, नष्ट हो सकता है, ख़त्म हो सकता है. ठीक है बच्चों, तो पहले आपको क्या है साइंस के बेनिफिट बताना है, उसका साइंस के क्या है आपको उसका बेड इफेक्ट भी बताना है. इसका देखते हैं कंक्लूजन. कंक्लूजन यहाँ होता है निष्कर्ष. वी मस्ट यूज साइंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड ओनली. ऑल द इन्वेंशंस ऑफ साइंस मस्ट बी यूज टू मेक अवर अर्थ मोर ब्यूटीफुल, मोर पीसफुल एंड मोर लव सर्वेंट बट ए बेड मास्टर. ये कहावत है कि साइंस जो है एक अच्छा नौकर है, ठीक है, लेकिन क्या है, बुरा मास्टर है. ठीक है, अगर वो आपके ऊपर हावी हो गया तो बहुत क्या है, बुरा होगा, वर्ल्ड के लिए नुकसानदायक होगा अगर साइंस का हम दुरुपयोग करेंगे तो. ठीक है बच्चों, इस तरीके से आपको ऐसे लिखना है. पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना है, वंडर ऑफ साइंस के बारे में बताना है, उसके बाद उसका जो पार्ट्स है उसके क्या क्या फ़ायदे हैं उसको बताएं, फ़ायदे के बाद उसका नुकसान बताएंगे, फिर आखिरी कंक्लूजन करेंगे कि कैसे उसका समाधान निकाल सकते हैं.